कुरुक्षेत्र के पिपली अनाज मंडी में गेहूं का उठान धीमा होने से चारों तरफ लगे गेहूं के कट्टे लगे हुए हैं, बता दें, जिसके चलते किसान परेशान है। वहीं मंडी में 1,30,000 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है, जो कि आने वाले दिनों में और ऊपर जाएगी। वहीं मंडी सचिव का कहना है कि अब दिक्कतें नहीं होंगी। वहीं अराटी धर्मपाल ने बताया कि किसानों को भारी नुकसान हुआ है। प्रति एकड़ 25 की जगह 17 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ है। वहीं मंडी सचिव जसबीर सिंह ने से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि अब तक 1,30,000 क्विंटल गेहूं परचेज हो चुके हैं। वहीं उठान में कुछ दिक्कत थी और अब 20 और 25 ट्रक मूवमेंट में है, यानी उन्होंने व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा किया है। लेकिन आने वाले में जब आवक और बढ़ेगी, ऐसे में 20-25 ट्रक काफी नहीं होंगे। मंडी में अब की बार जो गेहूं का सीजन चला है वो थोड़ा लेट चला है बरसात की वजह से, और थोड़ा लंबा चलने की उम्मीद है क्योंकि बेमौसमी बरसात हो गई। इसमें किसान को भी बहुत दिक्कत आई, किसान को बहुत लॉस हुआ। जिस एकड़ में से 25 और 28 क्विंटल पर एकड़ कणक निकलनी चाहिए थी, आज की डेट में उसमें 17 से और 22 क्विंटल की एकड़ की एवरेज आ रही है। ये किसान का बड़ा भारी लॉस है, और इस लॉस को जहां एक तरफ किसान भी और आढ़ती भी डरा हुआ था कि सरकार पता नहीं किसानों के साथ और आढ़तियों के साथ कैसा व्यवहार करेगी, शुरू में काफ़ी दिक्कतें भी आई किसानों को भी आढ़ती को भी। लॉस के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की चर्चाएँ होती थी, सरकार किसानों से काटेगी, किसान आढ़तियों से काटेगी। सरकार ने, सेंटर सरकार ने और हमारी केंद्र की सरकार ने आपस में मिलजुल कर किसानों के हित में और आढ़तियों के हित में बहुत अच्छा फैसला लिया। लॉस को बिल्कुल खत्म कर दिया, ना ही वो किसान से कटेगा और ना ही वो आढ़ती से कटेगा। मंडी पीपली में जो है आज तक 1,30,000 क्विंटल की परचेज हो चुकी है, जिसमें 2 एजेंसी DFSC और हैफेड वो परचेज कर रहे हैं। परचेज का कार्य बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। लिफ्टिंग की दिक्कत थी परसों तक, लेकिन कल भी अच्छी लिफ्टिंग हुई है और आज कल से भी ज़्यादा लिफ्टिंग होगी। लगभग 25-30 ट्रक मूवमेंट में हैं जो कि मंडी से उठान का कार्य कर रहे हैं, और सभी व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से दुरुस्त हैं। किसान को कोई भी असुविधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और सारा जो है MSP पे जो है उसकी ढेरियाँ सारी खरीदी जा रही हैं खरीद एजेंसी द्वारा, और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा।